महेंद्रगढ़ के छोरे ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग में जीता गोल्ड एंकर। गुजरात में हुई इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महेंद्रगढ़ के छोरे ने ईरान के खिलाड़ी को हराकर जिले व प्रदेश का नाम विश्व में रोशन किया है। बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाले बॉक्सर बादल का महेंद्रगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। गुजरात में हुई 3 दिवसीय इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 20 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस चैंपियनशिप में महेंद्रगढ़ के बॉक्सर बादल ने 800 खिलाड़ियों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया और ईरान के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड पर कब्जा कर लिया। बादल ने बताया कि पहले 2 राउंड में ईरान का खिलाड़ी उस पर भारी पड़ा, लेकिन अंतिम राउंड में उसने जोरदार बेहतर प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल को हासिल किया। बादल की निगाहें अब ओलंपिक में गोल्ड लाने पर हैं, उसके लिए वे दिन रात मेहनत करने लग गया है। जैसे आप पहले गोल्ड लेकर आए, कहाँ पर ये गेम हुए थे और कितने देशों के वहाँ पर खिलाड़ी आए? सर, ये गेम गुजरात में हुए थे, इंटरनेशनल गेम। यहाँ पे 20 देशों ने भाग लिया था। यहाँ पे बॉक्सिंग के 800 बच्चे आए थे। यहाँ पे जो मेरा मुकाबला था, 3-4 फाइटें अच्छी चली और जो लास्ट मुकाबला था वो मेरा ईरान के साथ था, जो कि वो 2 मुकाबले मुझसे काफ़ी हार्ड चला। 3rd में मैंने अच्छी मेहनत करके वो जीत लिया और जो कि मेरे सर के आशीर्वाद से मैंने अच्छी मेहनत की इससे पहले और वहाँ गोल्ड जीता। फिलहाल की बात कहना यही है कि बच्चे बहुत अच्छे प्रैक्टिस करते हैं और हमने बच्चों को पूरी सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की। तो आप मानते हैं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ अवसर मिलने चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में से बहुत सारी प्रतिभाएं निकलती है। हम अगर निकाल के देखें तो हमारे बॉक्सर विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार और ये सब ग्रामीण क्षेत्र से ही निकल के इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। महेंद्रगढ़ से जार टीवी न्यूज के लिए विपिन यादव की रिपोर्ट।